नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 की फाल्गुन अमावस्या कब है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। सनातन धर्म में फाल्गुन माह का अधिक महत्व है। इस माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 10 मार्च को है। पंचांग के अनुसार इस तिथि का महत्व धार्मिक दृष्टि से बेहद खास है। यह तिथि पितरों की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान, ध्यान और दान करने का विधान है। तो आइए जानते हैं फाल्गुन अमावस्या का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 9 मार्च की शाम को 6:17 से होगी और इसके अगले दिन यानी 10 मार्च को दोपहर 2:29 पर तिथि का समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार फाल्गुन अमावस्या 10 मार्च को मनाई जाएगी। अब चलिए भक्तों, फाल्गुन अमावस्या की पूजा विधि श्रवण करते हैं। फाल्गुन अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत ईश्वर के ध्यान से करें। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, जप तप और दान करने का विधान है। ऐसे में पवित्र नदी में स्नान करें और विशेष चीज़ों का दान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें, साथ ही पितरों की मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना करें। आप अपनी श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों को कपड़े, भोजन और धन का दान कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, तो ऐसे में फाल्गुन अमावस्या के दिन विधिपूर्वक पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अमावस्या के दिन चींटियों को आटा अवश्य खिलाएं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पिंडदान और तर्पण जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि यदि हर अमावस्या पर आप पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो फाल्गुन अमावस्या जैसी कुछ विशेष अमावस्या होती हैं जिन पर ये श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। अब चलिए भक्तों, फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा श्रवण करते हैं। फाल्गुन अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य ही चल रहा था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए उनकी पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा था। वह दिखने में अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दिया, साथ ही यह भी बताया कि उसके हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर दीन ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगीं कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चली जाती है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ चल रहे थे, उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया,
उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली गई थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अतः जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।